हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल राजस्थानी क्लास पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है वह है प्रकाश लाइट का पार्ट टू। ओके, तो मैं आपको बता दिया प्रकाश लाइट का पार्ट टू ये लेके आया हूँ। तो पार्ट वन मैंने बना दिया वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है आपका आपके स्मरणीय, उसमें अस्मरणीय बताया जो जो वैज्ञानिक है, और प्रकाश के बारे में प्रकाश होता क्या है और प्रकाश की चाल बताई है। तो वह आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो वह पार्ट वन प्रकाश का था। अब पार्ट टू लेके आया हूँ प्रकाश का लाइट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, ये बता दूं आपको कि प्रकाश लाइट ये छोटा टॉपिक नहीं, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसीलिए मैं 4-5 पार्ट 6-7 पार्ट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा पूरा ये किसका, प्रकाश लाइट का। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ये आपको बता दूं। पहले इसमें हम सीखेंगे क्या, इसमें हम सीखेंगे एक तो आपका आ जाता है सूची छिद्र कैमरा, प्रकाश का ही चीज है सूची छिद्र कैमरा, और दूसरा आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट परछाया एवं उपछाया। ये दोनों के बारे में आज सीखेंगे ये प्रकाश का लाइट पार्ट टू में। तो अगर आपको यह सीखना है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रकाश की क्लास पार्ट टू। चलिए, तो देखिए क्या है। फर्स्ट ये आपका फर्स्ट जो आ जाता है वो है सूची छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा। तो इसमें क्या है, इसमें एक लकड़ी का बना आयतकार होता है, आयतकार समझते हैं रेक्टेंगल, एक आयतकार लकड़ी का बना होता है जिसकी भीतरी दीवार काले रंग से रंगी होती है, और काले रंग से रंगी है तो, और सामने वाली दीवार के ठीक नोक माध्य में सुई के नोक के बराबर एक छिद्र रहता है, एक छिद्र रहता है, और क्या है पीछे वाली दीवार घिसे अथवा तेल लगी कागज की बनी होती है, घिसे शीशे अथवा तेल लगी कागज की बनी होती है। यानी इसमें एक लकड़ी का आयतकार बना लेते हैं, एक बना हुआ रहता है आयत, हम बना लेते हैं जरा अच्छा से, पहले बना लेता हूं, देख लीजिए आयत, चलिए बन गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, ठीक है चलिए। तो ये आपका आ जाता है आयत, तो एक लकड़ी का बना आयतकार है, और उस बॉक्स में एक देखिए आयतकार बॉक्स है जिसकी भीतरी दीवार काले रंग से रंगी हुई है, और सामने वाली दीवार के ठीक नोक पर एक सुई के नोक बराबर एक छिद्र रहता है। यानी देखिए एक आपका यहाँ पर, और इसमें क्या है, और पीछे वाली दीवार, ये पीछे वाली दीवार घिसे अथवा तेल लगी कागज की बनी होती है। यानी एक आपका छिद्र नोक के एक सुई के बराबर, यानी देखिए एक यहाँ सा बड़ा जैसा, एक इधर हम ऐसे एरो का निशान दे देते हैं समझाने के लिए, ये एक एरो का निशान, अब इसी के नोक पर छिद्र एकदम नोक पर गया है, तो यहाँ से ये नोक पर गया है, तो इधर थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, एक छिद्र के नोक पर जाके यहाँ पर आया, और इसका भी इधर से नोक जाके इधर से यहाँ आया। चलिए, तो अब ऐसा हो गया, अब उसके बाद यहाँ पर जो हमारा जो कैमरा आ जाता है, यानी ये आपका ए से बी तक आ जाता है, और यहाँ पर ये आपका क्या आ जाता है दोस्तों, यही ये है, ये ही आपका वस्तु बिंब बन जाता है, वस्तु बिंब। तो हम लिख देते हैं इधर, ये आपका आ जाता है वस्तु बिंब। चलिए, तो यही हो गया आपका वस्तु बिंब, ये वाला जो हिस्सा है ये वस्तु बिंब। अब इसका सुई के नोक पर एक इधर गया है, ये आपके शीशे में इस आयत के अंदर बॉक्स में गया है ये सुई से नोक के। अब देखिए जो इसका दीवार है, पीछे वाली दीवार घिसे शीशे अथवा तेल लगी हो कागज की बनी होती है, तो यहां से गया इसमें जाके उल्टा दिखाई देता, यानी ये कैमरा है क्या है, सूची छिद्र कैमरा, तो यह उल्टा दिखाई देता है, कैमरा है सूची छिद्र कैमरा, तो यह आपका उल्टा दिखाई दिया, यानी ए से बी था, अब इसमें बी से हमको ए दिखाई देता है, और ये वस्तु बिंब हुआ, और यह आपका प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप समझेंगे। अगर ऐसे में समझ में नहीं आता, ये मैं एग्जांपल ये बताया था, अब जो अच्छे वाला एग्जांपल है वो बताता हूँ। एक जैसे देखिए
जैसे आपका आंख है, आंख है ना, बहुत अच्छी बात है आपकी आंख है। तो ये जो आंख रहता है, ये मैं ऐसे ही बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये जो आपका आंख रहता है, ठीक है, चलिए इधर बना देता हूँ अच्छे से। चलिए भीतरी वाली जो हिस्सा जैसे दिखाई देती है वो मैं बना देता हूँ, ठीक है। चलिए तो जैसे ये आपकी आंख रहती है, यानी जैसे हम कोई पेड़ को देख रहे हैं, हमारी आंख कोई पेड़ को देख रही है, क्या कर रही है, हमारी आंख कोई पेड़ को देख रही है, ये हमारी जो आंख है वह कोई पेड़ को देख रही है। अब जो हमारी आंख देख रही है तो उसकी जो नोक सुई की है वो डायरेक्ट इस यहाँ पर आंखों में गई और यहाँ से पूरी नोक पर गई है, ठीक है, पेड़ को पूरा हम देख रहे हैं, नोक पर गई। अब यहाँ पर जाके वही हमारे आंख में वह पेड़ उल्टा दिखाई देता है, उल्टा, ठीक है। तो यही आपका सूची छिद्र कैमरा कहलाता है, यानी ये आपका ए से बी तक हमें देखते हैं, अब हमारी आंखों में बी से ए तक दिखाई देता है, यानी प्रति वस्तु भी ये और प्रतिबिंब ये। यानी जैसे देखिए, जैसे हम कोई, जैसे कोई भी चीज हो गया, जैसे ये पेड़ है, जैसे ये मार्कर है, ये जैसे ये पेड़ से बता रहा हूँ, जैसे एक पेड़ है, अब हम उस पेड़ को देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो अब इसके सुई के नोक के बराबर हम देख रहे हैं, ठीक है, हम इसको बराबर से देख रहे हैं, एकदम ध्यान से देख रहे हैं, इसी पेड़ को सिर्फ देख रहे हैं और कहीं, तो इसका जो इसी को देख रहे हैं, तो आपके आंखों में तो वह पेड़ दिखाई देता है। अगर कोई यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम पेड़ को देख रहे हैं, अगर कोई और यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हो और वो हमारी ध्यान से आंखों को देखे, तो वह पेड़ जो हम देख रहे हैं सीधे, वो जो हम पेड़ देख रहे हैं उसका, वही पेड़ हमारे आंखों में उल्टा दिखाई देता है, वही पेड़ हमारी आंखों में उल्टा दिखाई देता है। तो इसे सूची छिद्र कैमरा कहते हैं, यानी कोई भी चीज, जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना, जैसे आप अपना मोबाइल को देख रहे हैं, तो अगर कोई आपको, आप मोबाइल को देख रहे हैं उसमें मैं भी दिखाई दे रहा हूँ, तो अगर आपको कोई और व्यक्ति आपकी आंखों को ध्यान से देखे, तो आपकी आंखों में मैं आपका मोबाइल दिखाई देगा, और कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, उल्टा चलते होंगे। तो यही सूची छिद्र कैमरा कहलाता है। चलिए आपको समझ में आ गया क्या होता है सूची छिद्र कैमरा, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं लाइट के बारे में, तो अब बताऊंगा आपको परछाया एवं उपछाया के बारे में। परछाया एवं उपछाया होता क्या है, चलिए लिखते हैं बोर्ड पर, उसके बाद आपको अच्छे से समझाता हूँ, चलिए देखते हैं क्या होता है परछाया। चलिए अब आपको बताऊंगा मैं परछाया एवं उपछाया के बारे में, मैंने बोर्ड पर लिख लिया, लेकिन ये मैं भूल गया था बता देता हूँ आपको, सॉरी मैं भूल गया था बता देता हूँ, वो जो मैं आपका बताया था शुरुआत में, जिसमें मैंने आपको बताया था किसके बारे में, ये बताया था छिद्र, ये छिद्र कैमरा के बारे में बताया, सूची छिद्र कैमरा के बारे में बताया था, उसका आप एक फॉर्मूला से याद रखते, वो आपका फॉर्मूला जो आ जाता है ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई, बहुत सिंपल है याद रखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो हम देखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई, यही फॉर्मूला है, बराबर आपका आ जाता है छिद्र, ये आपका छिद्र से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, छिद्र से प्रतिबिंब की दूरी, यही उसका फॉर्मूला है, छिद्र से प्रतिबिंब की दूरी बट्टा छिद्र से ये आपका बिंब की दूरी, हम लिख देते हैं नीचे बिंब की दूरी। चलिए तो उसके बाद बराबर देख के लिख देना आवधर्म, ठीक है,
क्या लिख देना है, आधर में लिख देना है बराबर। देखिए तो यही आपका इतना बड़ा फॉर्मूला आ जाता है, बहुत ही सिंपल है, याद रखना बहुत ही सिंपल। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई बराबर छिद्र से प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा छिद्र से बिंब की दूरी और बराबर आपकी आ जाती है आवधर। तो आप ये लिख सकते हैं। चलिए तो आप इसे मिटा देते हैं हम पहले। चलिए तो आप इसे लिख लीजिए पहले, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आप लिख लिए होंगे। चलिए तो आप स्किप करके ये वीडियो को उसको लिख सकते हैं। चलिए तो मैं बता दिया। अब आपको लिखना है प्रछाया एवं उपछाया के बारे में। तो प्रछाया, प्रछाया एवं उपछाया, प्रछाया यानी होता है अम्ब्रा और एंड ये आपका उपछाया होता है पेनुम्ब्रा। तो पहले युम्ब्रा अम्ब्रा के बारे में जानेंगे। तो क्या है प्रछाया, तो ये क्या है, जब प्रकाश की किरणें, प्रछाया के बारे में बता रहा हूँ, जब प्रकाश के किरणें, देखिए जब प्रकाश की किरणों के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश की किरणें आगे नहीं जा सकती, वस्तु के आगे पर्दा रहने पर पर्दे के प्रकाशित भाग के बीच कुछ ऐसा होता है जो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां अंधकार रहता है, इसे ही छाया कहते हैं। तो आप प्रछाया को छाया भी कह सकते हैं, ये आपका छाया या प्रछाया। तो ये छाया के बारे में वही हो जाता है, प्रछाया छाया दोनों एक ही होता है, आप जो मन में आए कह सकते हैं। और फिर क्या है, जब प्रकाश के उद्गम का विस्तार रुकावट की अपेक्षा बड़ा हो तो छाया के मध्य भाग में प्रकाश एकदम नहीं पहुंचने के कारण पूर्ण अंधकार रहता है। दूसरा बार बता रहा हूँ, यह परछाया कहते हैं, इसे परछाया कहते हैं, ठीक है। तो यह परछाया कहते हैं, यानी ये आपका हो जाता है फर्स्ट यहाँ तक छाया तक बताया, और दूसरा जो स्टेप है बताने का आपका यहाँ से, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहाँ से आपका कितने तक, यहाँ तक परछाया कहते हैं, यहाँ तक, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ तक लिख लीजिए, यानी आपको समझाता हूँ। जैसे कोई जब प्रकाश की किरणें कोई रास्ते से, देखिए जैसे प्रकाश इधर बल्ब लगी हुई ना, तो उसका प्रकाश की किरणें कहीं पर प्रकाश की किरणें जा रही है तो उसके रास्ते में कोई वस्तु आ जाती है। जैसे हम उसके रास्ते में आ गए, उस प्रकाश की रास्ते में आ गए, हम जो प्रकाश जा रही है उसके रास्ते में हम आ गए, यानी कोई वस्तु आ गई आ जाती है तो प्रकाश की किरणें आगे नहीं बढ़ पाती, यानी वह प्रकाश जा रही थी आगे बढ़ रही थी तो हम आ गए बीच में, तो वह प्रकाश की किरणें आगे नहीं बढ़ रही है, हम ना आ गए, हम पर पड़ रही है, हमारे आगे नहीं जा रही है, देख लीजिए कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है। उसके बाद क्या होता है, आगे नहीं जा पाती, वस्तु के आगे पर्दा रहने पर, ये आपका पर्दा, वस्तु के आगे ये जो आपका पर्दा हो जाता है, ये वाला आपका जो शरीर पर्दा हो जाता है, इसके प्रकाशित भाग के बीच कुछ ऐसा होता है जो काले रंग का हो जाता है, यानी काला रंग जो आप इधर देख रहे हैं, ये आपका जो काला रंग, यही इसी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि वहां अंधकार रहता है, क्योंकि वहां अंधकार रहता है, इसे छाया कहते हैं। यानी देख सकते हैं ये जो मेरा छाया दिख रहा है, यही आपका आ जाता है छाया परछाया, इसे कह सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं आपको, स्टेप ये आप जो देख रहे हैं, यानी प्रकाश का पड़ा, किरणें जा रही आगे, बीच में आ गए कोई वस्तु, हम आ गए, तो अब किरणें आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उसी से जो हमारा जो आगे नहीं बढ़ पाती, तो कुछ ऐसा होता है जो क्या होता है, पर्दे रहने पर पर्दे के प्रकाशित भाग के कुछ बीच ऐसा होता है जो काला रंग का हो जाता है, जो कुछ बीच में काला रंग का, जैसे ये काला रंग का हो जाता है, यानी कि हम यहाँ पर आ गए बीच में, अब वो प्रकाश आगे नहीं जा रही, तो अब कुछ ये जो जहां पर तक हम हैं, किरणें हमारी हमारे पर सिर पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो वहां तक क्या होगा, वहां तक आपका किरणें रहेगा, उसके बाद इधर उधर जाएगा, बस वो काले जगह पर नहीं जाएगा, काला रंग जो हो जाता है, काला रंग हो जाता है। परछाया आप समझते हैं ना क्या होता है, छाया परछाया जो आपकी प्रकाश से होती है, आपकी परछाया निकलती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे परछाया और ये आपका परछाया छाया क्या होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए तो ये आप जो दिख रहा है मेरा, ये छाया
यही आपका छाया कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेप बताया। अब दूसरा स्टेप है क्या है, जब प्रकाश के उद्गम की विस्तार रुकावट की अपेक्षा बड़ा हो तो छाया के मध्य भाग में प्रकाश एकदम नहीं पहुंचने के कारण पूर्ण अंधकार रहता है, यह परछाया कहते हैं। उसे परछाया कहते हैं, यानी प्रकाश, इसमें भी दूसरा स्टेप बताया, यानी प्रकाश का किरणें पड़ा कोई वस्तु पर, हम जैसे आगे तो कुछ हिस्सों में हमारा इधर काले, कुछ हिस्सों में प्रकाश नहीं गया, ये जो आपको दिख रहा है इस हिस्से में प्रकाश नहीं गया, प्रकाश की किरणें आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि हम ना आ गए, ठीक है, कुछ हिस्सों में प्रकाश के अब इधर उधर चल गए, क्या हो गई, इधर देख लीजिए थोड़ा मिट गया, लीजिए तो इधर उधर चल गई प्रकाश, अब इस हिस्से में नहीं आ रही, या कोई चीज जैसे ये इंक ले लेता हूँ, जैसे आप इंक देख रहे हैं तो ये भी आ गई एक बीच में किरणें, तो अब इसके आगे कोई, इसके आगे इधर इधर जा रही है किरण, अब ये इंक पर सिर्फ क्या हो रही है, देख सकते हैं आप छाया में, यही इंक में इधर जो हिस्सा होता है, कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो काला रंग का हो जाता है, तो हमारा जैसे ये काला रंग का हो गया, यानी आगे नहीं बढ़ पाए और इधर उधर जा रही है, क्योंकि इधर उधर कोई वस्तु है ही नहीं तो इधर उधर जा रही है, लेकिन इधर हम है तो इसका जो काला रंग हो जाता है कोई हिस्सा, तो इसे ही छाया पर छाया कहते हैं, दोनों आप कोई भी कह सकते हैं, तो बता दिया छाया, तो यही अंगरा कहलाता है। अब आ जाता है आपका पैनुमरा, तो पैनुमरा क्या होता है, देखिए पैनुमरा यहां से लिख दिया, और जिस भाग में असत प्रकाश पहुंचता है उसे उपछाया कहते हैं, जिस भाग में असत प्रकाश पहुंचता है उसे उपछाया कहते हैं, यानी डिफिनेशन, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ खुद से करके, ठीक है, तो आपको वह दिखाने के लिए पहले मुझे एक और लाइट जलानी होगी, उसके बाद आपको बताता हूँ, चलिए पहले वो लाइट जला लेते हैं, ठीक है, चलिए देखिए हमने दूसरी लाइट भी जला दी, अब वो उपछाया कौन है, तो आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ये काला रंग का दिखाई दे रहा है प्रकाश की किरणें पड़ी हम पर, अब वस्तु पर, अब उससे आगे नहीं जाते तो वो काला हिस्सा हो गया, तो ये हमारा आ जाता है छाया, क्या आ जाता है, यही हमारा आ जाता है छाया, ओके ठीक है, ये छाया, अब यही और जिसे जिस भाग में असत प्रकाश पहुंचता है उसे उपछाया कहते हैं, और असत प्रकाश यानी आप ये हिस्सा देख सकते हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा एक ये छाया परछाया ये निकल के आया, और उससे भी एक आ जाता है उधर, वो आपको उपछाया कहलाता है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको यही आपका उपछाया उपछाया कहलाता है, ठीक है, चलिए ये आपका हो गया उपछाया कहलाता है, यानी दिखाई दे रहा होगा आपको ये हमारा छाया, और यहाँ पर जो आया है ये आपका उपछाया आ जाता है, जो हमारा जैसे आप देखते होंगे कि जैसे कभी कभार जैसे कोई लाइट और ज्यादा चार पांच लाइट होती है जैसे जली हुई रहती है, तो हमसे एक हमारा छाया होता है परछाया होता है, और उन्हीं से अनेक सारे छाया निकलते हैं, लेकिन वो छाया नहीं है दोस्तों, वो आपके उपछाया कहलाते हैं, उसी छाया के उपछाया, ठीक है, तो जैसे ये आप जो छाया देख रहे हैं इसे, तो या आप कर सकते हैं अपने घर में कोई अच्छे से जगह पर जो कहीं इधर उधर लाइट का प्रकाश जाना नहीं चाहिए, बस एक रूम में रहिए अच्छे से, और वहां पर एक खड़े हो जाइए और दो तीन चार पर लाइट जला लीजिए, फिर देखिए आपका छाया भी निकलेगा और उपछाया भी निकलेगा, तो यही होता है परछाया एवं उपछाया, ठीक है, तो ये हमारा उपछाया निकल गया है और ये हमारा परछाया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, चलिए तो यही डिफिनेशन था मैंने आपको बता दिया, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नया चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया प्रकाश के बारे में, दूसरा पार्ट लेके आया है पार्ट टू लेके आया, ठीक है, तो हमने इसमें पार्ट टू लेके पार्ट वन बना दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं पार्ट टू, उसमें मैंने बताया, तो ये आपका पार्ट टू हो गया और वो पार्ट वन है, ठीक है, तो अब मैं पार्ट थ्री लेके आऊंगा, अगले मैं लेके आऊंगा, उसमें और भी प्रकाश के बारे में चीजें बताऊंगा, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले, चलिए ले लीजिए।